वर्ल्ड वॉर वन के जमाने के जर्मनी में दो भाई थे जिनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। एक का नाम एडोल्फ डैसलर था और दूसरे का नाम रूडोल्फ डैसलर था। इनके वाले साहब एक जूते की कंपनी में काम करते थे, लिहाजा पढ़ाई के बाद इन दोनों ने भी उसी कंपनी में काम करने का फैसला किया। अब फुटबॉल खेलने का शौक था और फुटबॉल के लिए चाहिए जूते, तो जिस कंपनी में काम करते थे जब उसका जूता पहन के फुटबॉल खेलना चाहिए तो पता चला वो जूते तो बड़े अनकंफर्टेबल है। अब जूते बनाने तो इनको आते थे, उन्होंने सोचा कि अपने घर में बैठ के हम कोई नया डिजाइन लाते हैं जिससे फुटबॉल कंफर्टेबली खेला जा सके। तो उन्होंने एक नया स्नीकर बनाया जो कि बहुत मशहूर हुआ, दोस्तों ने खरीदा, रिश्तेदारों ने, इतना कि उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। और इनको सही प्रोमिनेंस मिली 1936 में जब इन्होंने अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस को स्पॉन्सरशिप के लिए साइन अप किया और जेसी ओवेंस ने इनके जूते पहन के 4 गोल्ड मेडल हासिल किए तो इनकी कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी बहुत मशहूर हो गई। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों भाइयों में चिपकलिश आना शुरू हुई, लड़ाइयां होने लगी क्योंकि इन दोनों की बीवियां एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी। अब वर्ल्ड वॉर टू का जमाना है और एडोल्फ के घर उसका भाई रूडोल्फ और उसकी बीवी एंटर हो रहे हैं। जैसे ही रूडोल्फ और उसकी बीवी घर में एंटर होते हैं पीछे से एलाइड फोर्सेस के जहाज आते हैं और एयर रेड का सायरन बजने लग जाता है। तो एडोल्फ सार्कास्टिकली उनके लिए कहता है हियर कम्स अ बास्टर्ड, लेकिन रूडोल्फ ये समझता है कि मेरा भाई मुझे बास्टर्ड कह रहा है। और इस बात के ऊपर उन दोनों में इतनी लड़ाई होती है कि वो फैसला करते हैं कि अब हम इस कंपनी के 2 टुकड़े कर देंगे। तो एडोल्फ के हिस्से में जो कंपनी आई, अब चूंकि एडोल्फ का निकनेम एडी था तो उसने अपनी कंपनी का नाम एडी डास रख लिया और रूडोल्फ का निकनेम रूडा था तो उसने अपनी कंपनी का नाम रूडा रख लिया, लेकिन जिसको बाद में से चेंज करके पूमा कर लिया। ये थी इन दोनों भाइयों की इंटरेस्टिंग।